लातेहार। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना अंतर्गत शेरीगाड़ा ग्राम में रेलवे द्वारा खोदे गए गड्ढे में कर्माडाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। शेरीगाड़ा ग्राम के मनन डीह टोला में कर्माडाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की पानी में डूबने से उस समय मौत हो गई जब एक दूसरे को बचाने की कोशिश युवतियों द्वारा की जा रही थी। डूबने की खबर जब गांव के लोगों को हुई तो रेलवे के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर मृतक के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की राशि की मांग करने लगे। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। मुखिया जी, घटना घटने का प्राकृतिक के पूजा कर्मा त्यौहार था, उसमें विसर्जन का दिनांक था। जब विसर्जन करने के लिए गई थी ग्राम सेरेगड़ा का टोला मनंडी के बच्ची लोग थी, जिसमें 7 बच्ची विसर्जन के दौरान ही एकाएक करके एक दूसरे के बचाने से भी उसका मृत्यु हो गई। वो जो गड्ढा है वो रेलवे द्वारा जो बनाया जा रहा था वो गड्ढा खोदा हुआ है, उसी में वह डूब के अपना जीवन निछावर कर दी। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये इस प्रकार से गड्ढा किया है और उसके गड्ढा के द्वारा इस प्रकार से जो घटना हुई है, सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और उसमें और किसी तरह से भी व्यवधान जो है वो व्यवधान को उत्पन्न होने दे। और यहाँ के मुख्य होने के नाते ये भी कह रहे हैं कि उस बच्ची के जिस प्रकार से भी ये घटना हुई है दोबारा किसी को घटना ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था किया जाए, उस गड्ढा को भी बराबर समतल करने के प्रयास किया जाए और यहाँ के लोगों को जो भी क्षति हो रही है इस पर भी गहन विचार करते हुए ध्यान दें। और ये आज के त्योहार में जो मातम फैला हुआ है, इस मातम बहुत दुखनीय चीज है और इसमें लोगों को उचित से उचित व्यवस्था किया जाए और रेलवे द्वारा कम से कम 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम है सुरेंद्र राव। मरने वाला बच्चा अकुलगंज की 3 बच्ची है, इसमें रेखा कुमारी 17 साल और रीना कुमारी 13 साल, लक्ष्मी कुमारी 10 साल। लालदोगंज की बच्ची है बसंती कुमारी जो 10 साल है और स्वर्गीय बीफागंज है सुनीता कुमारी 18 साल। चरणगंज की पुत्री है जो कि सुषमा कुमारी 13 साल और जगनगंज की पुत्री है पिंकी कुमारी जो 18 साल की है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।